केंद्र की मोदी सरकार ने सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम यानी कि अफस्पा को लेकर बड़ा फैसला किया है। केंद्र सरकार ने नागालैंड, असम और मणिपुर के कुछ इलाकों से अफस्पा को हटाने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी दी है। हालांकि केंद्र ने अभी इसे पूरी तरह से हटाने की बजाय कुछ गड़बड़ी वाले क्षेत्रों तक सीमित रखने का भी फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी देते हुए ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व में भारत सरकार ने दशकों बाद नागालैंड, असम और मणिपुर राज्यों में अफस्पा के तहत अशांत क्षेत्रों को कम करने का फैसला किया है। अफस्पा के इलाकों में कमी, सुरक्षा में सुधार और प्रधानमंत्री के उत्तर पूर्व में स्थायी शांति लाने और उग्रवाद को समाप्त करने की लगातार हो रही कोशिशें साथ ही कई समझौतों के कारण तेजी से विकास का परिणाम है। इसके लिए गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। शाह ने आगे कहा, हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र जो दशकों से अपेक्षित था अब शांति, समृद्धि और अभूतपूर्व विकास के एक नए युग का गवाह बन रहा है। शाह ने इस मौके पर पूर्वोत्तर के लोगों को बधाई भी दी। वही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि ये फैसला हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। शांति और विकास दो समांतर रास्ते हैं। विकास के बिना शांति कायम नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे पूर्वोत्तर के लिए शांति और विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। गौरतलब है कि मणिपुर और नागालैंड से अफस्पा हटाने के संकेत मिल रहे थे। अफस्पा का पूरा नाम द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है। इसके तहत अशांत क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा बलों को विशेष अधिकार मिलते हैं। सुरक्षा बल किसी भी चेतावनी के बिना किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं या तलाशी अभियान चला सकते हैं। इस दौरान होने वाली फायरिंग में अगर किसी की जान चली जाती है तो उसके लिए सुरक्षा बल जिम्मेदार नहीं होगा। उत्तर पूर्व के कई अशांत प्रदेशों और जम्मू कश्मीर में कई दशकों से अफस्पा लागू है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज़।